Hey all and good evening to everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Himani Joshi from Haldwani, Uttarakhand. तो आज का ये वीडियो उन सभी बी एस सी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो बोल रहे थे कि दी 50 से कम नंबर पे काउंसलिंग होगी या नहीं होगी. ए एन एम जी एन एम पैरामेडिकल वालों की तो ईजिली कंडक्ट हो रही थी काउंसलिंग, बट बी एस सी नर्सिंग वालों की यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. तो यार प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है. तो पहले मैं जैसे ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों से पहले क्लियर करी थी कि अगर ये लोग सेकेंड राउंड कंडक्ट नहीं करवाते हो तो बहुत सारी सीट्स क्या हो जाएगी, वेकेंट रह जाएगी. इस बार 834 कुछ सीट्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, जिसमें कुछ नए 5 से 6 प्राइवेट कॉलेज भी ऐड हो रखे हैं इस साल, जो कि हमारे अगले प्रीवियस ईयर तक कोई ऐसे कॉलेज ऐड नहीं थे. और अगले साल 700 समथिंग सीट्स थे, इस बार 800 समथिंग बीएससी नर्सिंग की सीट्स हो गई हैं. तो आप लोग यहां पर देखोगे डायरेक्ट 100 सीट्स यहां पर क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, जिसको आप लोग ईजिली देख सकते हो. ठीक है, तो अब इनके लिए और ऐसा गवर्नमेंट, और अगर ये लोग सेकंड राउंड कंडक्ट नहीं करवाएंगे तो वो सारी सीट्स वेकेंट रहने वाली हैं, खाली रहने वाली है, जो कि गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी. और 100% सीट खाली रहने के चांसेस है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले पूरी वीडियो में एनालिसिस करके बताया था कि कितने नए कॉलेज जुड़े हैं और कितनी सीट्स में काउंसलिंग होगी और कितने कम बच्चों के नंबर हैं, 50 नंबर. तो अभी फिलहाल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जो यूपी में KGMU यूनिवर्सिटी ने जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उसमें भी जो INC ने सेम गाइडलाइंस मतलब प्रोवाइड करी थी. इंटरनेशनल जो नर्सिंग काउंसलिंग है सबके लिए उन्होंने ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करी थी कि 50 से कम नंबर, जनरल के लिए उन्होंने बोला था कि अगर जनरल के नंबर 50 से कम होंगे तो उनकी काउंसलिंग कंडक्ट नहीं होगी. और SC ST OBC वालों के लिए ये क्राइटेरिया फिक्स था कि अगर उनके 40 से कम नंबर होंगे तो उनकी काउंसलिंग नहीं होगी. तो हाल ही में INC ने यूपी में भी ये गाइडलाइंस जारी करी थी कि जो जनरल वालों के लिए 50 से कम नंबर का क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स करा हुआ था कि जो जनरल वाले हैं, ठीक है, EWS कैटेगरी जिनके भी पास है, उनकी काउंसलिंग नहीं होगी अगर उनके 50 से कम नंबर है. और OBC SC ST वालों के लिए क्राइटेरिया फिक्स था कि अगर उनके 40 से कम मार्क्स है तो उनकी काउंसलिंग नहीं होगी. तो जैसे फर्स्ट राउंड वहां पर कंडक्ट हुआ, लोगों को वहां पर सीट्स मिलने लगी, तो इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा सीटें क्या उनके वैकेंट रहने लग गई, खाली रह गई, क्योंकि उन्होंने जनरल वालों को मौका दिया नहीं 50 से कम नंबर वालों को, और SC ST OBC वालों को 40 से कम नंबर वालों को मौका नहीं दिया. तो बहुत सारी यहाँ पे क्या रही, सीट्स खाली रह गई. तो INC ने अपने वहाँ पे डिसीजन क्या कर दिया, चेंज कर दिया. उन्होंने सेकंड राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट करवाई, उसमें उन्होंने बोला कि 40 से अब जनरल वालों को जिनके नंबर 40 से कम देखिए 45 से कम नहीं होने चाहिए, 40% कर दिया, उनको मौका दिया जाएगा. एंड जनरल और जो SC ST OBC थे उनका क्राइटेरिया उन्होंने 40 से 30% फिक्स कर दिया कि 30 से कम नंबर नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो कहीं ना कहीं INC ने अपने यहाँ पर जो गाइडलाइंस है उसको यहाँ पर क्या करा, एक बार फिर से मतलब इम्प्रूव किया, उनको मौका दिया जिनके नंबर कम थे. तो जब INC ने यूपी में अपनी गाइडलाइंस को चेंज किया, तो जहाँ एक हद तक चांसेस हैं कि वो अपनी इस गाइडलाइंस को उत्तराखंड में भी चेंज करें. ठीक है, उत्तराखंड में भी चेंज हो सकती है, कि यहाँ भी अदरवाइज बहुत ज्यादा सीटें न तो वेकेंट रह जाएगी और गवर्नमेंट को बहुत लॉस होगा, और ऐसा गवर्नमेंट कभी चाहेगी नहीं. तो यहाँ पर भी बहुत हाईली चांसेस होने वाले हैं कि यहाँ पे सेकंड राउंड कंडक्ट होगा. और INC की गाइडलाइन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो उन्होंने इजिली अपनी गाइडलाइंस को यूपी में हटा दिया है. जनरल वालों के जहाँ पहले 50 से कम नंबर की काउंसलिंग नहीं होती थी, अब वो क्राइटेरिया उन्होंने 40 का कर दिया, क्या पता थर्ड राउंड में वो क्राइटेरिया और कम हो जाए. ठीक है, और वैसे उन्होंने वहाँ पर क्या करा, SC ST OBC वालों के लिए यूपी में पहले लगाई थी बाउंडेशन की उनका 40% मतलब 40 नंबर होने चाहिए थे, फिर अब वो फिर से रिडक्शन होकर उन्होंने 30% कर दिया. तो कहीं ना कहीं जो INC ने अपनी गाइडलाइंस को यहाँ पर क्या करा, एक तरफ से ब्रेक किया और नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी किया, किसमें, यूपी में. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उत्तराखंड में भी ऐसे ही करेगी अगर सीट्स वेकेंट रहेगी तो. और सीट वेकेंट रहेगी, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा 100% है, क्योंकि बहुत सारी सीट्स हैं, नए प्राइवेट कॉलेजेस ऐड हुए हैं, अदरवाइज किसी को मौका नहीं मिल पाएगा. तो इस वीडियो से आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि आप लोगों के काउंसलिंग होने के भी चांसेस हैं. तो मोटिवेटेड रहिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करिए. अभी भी कोई आपके मन में डाउट है तो प्लीज़ मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, और तब तक अपना ध्यान रखिए.